फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम जोन। आज 29 मार्च 2020 और आज की डेट से जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में COVID-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो अभी कोरोना से लड़ने के लिए गोवा ने एक सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च किया है, जो सेल्फ असेसमेंट यानी कि स्वमूल्यांकन, इससे आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि आप कोरोना पीड़ित हैं या नहीं। तो इसके लिए गोवा ये पहला राज्य बन गया जिसने सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च किया है। तो यहाँ पहला राज्य की बात है तो अभी हाल ही में पंजाब बिना छूट कर्फ्यू लगाने वाला पहला भारतीय राज्य बना था, और राजस्थान जो है वो लॉकडाउन करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना था, और हरियाणा COVID-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। तो ये आपको याद रखना है। और बात यहाँ गोवा की है तो गोवा की अभी कैपिटल है पणजी, प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत और गवर्नर सत्यपाल मलिक। तो इतना आपको गोवा से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में CBDT के नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको पता है कि भारत में दो प्रकार के कर लगते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो उसी में CBDT जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसके अभी हाल ही में SK गुप्ता और KM प्रसाद दोनों को नए सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की GDP विकास दर वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत अनुमान की है? तो अभी हाल ही में जो रेटिंग मूडीज रेटिंग कंपनी है इसने भारत की विकास दर 2.5% रहने की का अनुमान लगाया है, जो कि सबसे बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये कोरोना के चलते आप सभी को पता है तो सभी ने अपनी अपनी रेटिंग अनुमान बताया। तो अभी IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने 4.8 अनुमानित की है, और NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक ने 5% रहने का अनुमान लगाया है। साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 5.5.1% और एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, उसने 3.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो आपको ये याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। किस अस्पताल में COVID-19 से संक्रमित रोगियों को सेवा प्रदान करने हेतु ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है? तो अभी आप लोगों को पता है कि कोरोना मरीजों का इलाज करते करते डॉक्टर्स भी संक्रमित हो रहे और उनकी भी डेथ हो रही है, तो इसीलिए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में कोरोना रोगियों को अब रोबोट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो इसी का परीक्षण चालू है अभी। और यहाँ सफदरगंज है, ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसने रोबोटिक सुविधा उपलब्ध कराई थी। और ये सेवन हिल्स हॉस्पिटल जो है वो रिलायंस द्वारा भी 100 बेड का अस्पताल बनवाया गया था COVID-19 के मरीजों के लिए। और एम्स की बात है तो एम्स ने अभी टेली परामर्श सुविधा चालू की थी हाल ही में। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में COVID-19 से जागरूकता के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय थल सेना ने
भारतीय थल सेना ने ये ऑपरेशन नमस्ते अभियान चलाया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना, जो अभी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवरे, उनके द्वारा ये चलाया गया है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के अभी अभी अध्यक्ष, मतलब भारतीय वायुसेना के हेड जो हैं वो अभी RKS भदौरिया हैं, भारतीय जल सेना के हेड हैं एडमिरल करमवीर सिंह। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संपूर्ण विश्व मंदी में जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो संस्था है, इसके द्वारा घोषणा की गई है कि संपूर्ण विश्व मंदी में जा चुका है। तो IMF की बात है, तो अभी बताया था मैंने, IMF की स्थापना सन 1945 में हुई थी, इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, और प्रेजेंट टाइम पे इसकी हेड है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों को ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाए हैं? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोरोना संक्रमित मरीजों को ट्रेस करने के लिए सैटेलाइट कंट्रोल रूम बनाए हैं। इसमें अगर एक कोरोना मरीज दूसरे किसी व्यक्ति से मिलेगा तो वो सैटेलाइट द्वारा पता कर लिया जाएगा। जितना आपको याद रखना है। और बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, प्रेजेंट टाइम पे CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और अभी गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में दो और इम्पोर्टेंट चीज़ है, फूलों की घाटी और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दोनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, इसका नाम चेंज हो गया था, और ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण वाली कंपनी कौन बनी है? तो अभी हाल ही में TCS को पीछे करते हुए रिलायंस कंपनी भारत की सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण करने वाली कंपनी बनी है। पहले TCS थी, अब रिलायंस हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में काला बाजारी के खिलाफ त्वरित मुकदमा करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो अभी COVID-19 के चलते जो 21 दिन का लॉकडाउन है, तो उसमें लोग काला बाजारी करने लगते हैं, तो उससे सेफ्टी के लिए बिहार गवर्नमेंट ने त्वरित मुकदमा करने की घोषणा की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। और बात बिहार की है, तो बिहार की कैपिटल है पटना, प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, और अभी गवर्नर है लालजी टंडन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। COVID-19 की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली किट किसने लॉन्च की है? तो अभी अमेरिका ने COVID-19 की 5 मिनट में पुष्टि करने वाली किट लॉन्च की। यह किट आपको 5 मिनट में बता देगी कि आप कोरोना संक्रमित हैं या नहीं। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। UN यानी यूनाइटेड नेशन ने COVID-19 से बचाव हेतु कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो अभी COVID-19 से बचाव हेतु यूनाइटेड नेशन ने $2 अरब देने की घोषणा की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा $2 अरब। और ये अभी $675 मिलियन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिए थे, और वर्ल्ड बैंक ने $12 बिलियन देने की घोषणा की थी, और जो अभी G20 की बैठक हुई थी उसमें G20 देशों ने $5 ट्रिलियन देने की घोषणा की है, और सार्क देशों के इमरजेंसी COVID-19 इमरजेंसी फंड है उसमें भारत ने $10 मिलियन दिए हैं, तो आपको याद रखना है। बात यूनाइटेड नेशन की है, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में, इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड है एंटोनियो गुटेरस। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एग्जाम जोन।